आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है कि जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे पड़ी है, यानी किसी सरफेस पे है, तो उन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है। अगर वो मूव करने की कोशिश कर रही है उस सरफेस पे, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है? ए ऑप्शन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स ब्रिंग अ बॉल डाउन व्हेन थ्रो इट अप इन एयर, इन द एयर, कि जब हम किसी बॉल को एयर में ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं और वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है फिर। ठीक है, ये अर्थ है, ये हमारे पास बॉल है, ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उस टाइम कौन सा फोर्स एक्ट करता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन्होंने बोला कौन सा एक्ट करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। ओके, उसके बाद बी ऑप्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और डी क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इज समटाइम अट्रैक्टिव एंड समटाइम रिपल्सिव, कि कई बार अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है मैग्नेट्स में, और वो कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज नॉट फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज सी, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज मोशन, हमेशा मोशन को अपोज करता है। ओके, और क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं? इट इज अ फोर्स विच ऑलवेज प्रोड्यूस व्हेन टू बॉडीज आर try to move on each other। कि जब दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव करने की कोशिश करती हैं, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और इसमें क्या होता है हमारे पास मेनली, जैसे एक कार्टून है जिसको हमने फ्लोर पे रखा हुआ है, तो फ्लोर पे अगर हम इस कार्टून को आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कार्टून वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये फ्लोर भी इस कार्टून पे कोई फोर्स लगाएगा, जिससे हमें इस कार्टून को पुश करने में दिक्कत होगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी के मोशन में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।